રાજકોટના 30 સેદ, ગુજરાતના 203 તબીબ વિદ્યાર્થીઓ સવા માસથી બેલારૂસમાં ફસાય, હવે ખાવા પીવાના ફાંફા. 19 માર્ચથી સરકાર માં રજૂઆત કરવા છતાં દેશના 1000 વિદ્યાર્થીઓ ઉગારવા કોઈ પગલાં નહીં લીધા, જેથી કરીને ઓહાપોહ સર્જાયો છે. કોરોનાનો રોગચાળો સમગ્ર વિશ્વમાં હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે. રાજકોટ સહિત ગુજરાતના 203 જેટલા મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ રશિયાના બેલારૂસમાં ફસાતા તેમના વાલીઓમાં ચિંતાની લાગણી જોવા મળી રહી છે. બેલારૂસમાં દરરોજ 14,000 જેટલા કોરોના પોઝિટિવ કેસો આવતા હોવા છતાં ત્યાંના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આવ્યું નથી. રાજકોટના વિદ્યાર્થીઓ સાર્સ પરમારના પિતા હિમાંશુ પરમારે વિગત આપતા જણાવ્યું છે કે 203 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા છે અને 1000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેલારૂસની હોસ્ટેલમાં સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થઈ ગયા છે. હેલો એવરીવન, માય નેમ ઇઝ સહજ મોદી એન્ડ આઈ એમ સ્ટડીંગ ઇન ગ્રોડનો સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી ઇન બેલારૂસ. આપકો પતા હોગા કે કોવિડ-19 કે બારે મેં, કોવિડ-19 કી વજહ સે અભી પૂરા વર્લ્ડ લોકડાઉન હૈ, ઇન્ડિયા લોકડાઉન હૈ, ઇસકી વજહ સે એર સ્પેસ ક્લોઝ હૈ, એવિએશન સેક્ટર ક્લોઝ હૈ, ઇસકી વજહ સે હમ ઇધર સે નિકલ નહીં પા રહે. ઇધર કાફી સારે સ્ટુડન્ટ્સ હૈ ઇન્ડિયા કે, હમરી યુનિવર્સિટી મેં અભી 203 સ્ટુડન્ટ્સ ઇન્ડિયા કે પઢતે હૈ, ઓર ભી સ્ટુડન્ટ્સ હૈ જો દૂસરી યુનિવર્સિટી મેં પઢતે હૈ, ઇન્ડિયા કે હૈ વો. ઓર આપકો પતા હી હોગા અભી કે હાલાત બહોત હી ખરાબ હૈ પૂરે વર્લ્ડ મેં, ઓર ઇધર કે કેસીસ બહોત હી બઢ રહે હૈ. બેલારૂસ કન્ટ્રી મેં અભી 1,000 કેસીસ બઢ રહે હૈ, અભી તક 13,000 કેસીસ હો ચુકે હૈ. और ये कंट्री इंडिया के मुकाबले बहुत ही छोटी है. इधर की पॉपुलेशन इंडिया की एक सिटी के बराबर है और इतनी छोटी कंट्री में इतनी ज़्यादा केसेस होना, यानी कि बहुत ही अभी ख़राब परिस्थिति है इधर की. सो हमने काफ़ी सारी कोशिश की है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इंडिया तक पहुँचाने के लिए. इंडिया में हमने CMO तक मेल किए है, PMO तक बात की है, इंडिया में काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल मीडियाज में हमने शेयर किए, हमने इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे माध्यम से शेयर करने की कोशिश की है, बट कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है. इसलिए हमने डिसाइड किया है कि सारे स्टूडेंट्स मिल के वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, सो ताकि आपको पता चले कि अभी हालात बहुत ही ख़राब है, हमको इधर से हेल्प मिल सके कि हम इधर से इवैक्यूएट हो सके. नो डाउट गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट अभी तक काफ़ी सारे अच्छा काम कर रही है, काफ़ी सारा अच्छे स्टेप ले रही है. इंडिया में अभी इसके मुकाबले बहुत ही अच्छे हालात है, बट अभी हालात ऐसे है कि हम बाहर निकल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, लॉकडाउन, हम को सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, क्योंकि इधर की कंट्री, ये कंट्री में सिटी, सारे सिटीज ओपन है, लॉकडाउन नहीं हुई, इधर के मॉल्स ओपन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन है, और इधर कोई प्रिकॉशन नहीं ले जा रहे हैं, और इसकी वजह से अभी हालात और भी बिगड़ने वाले हैं. बिकॉज ऑफ अभी तक दिन के 2,000-3,000 तो अभी बढ़ रहे, अभी वो सेकंड फेज में ही है, थर्ड फेज में आने के बाद इधर के हालात बहुत ही बिगड़ेंगे. बट आपको गुजारिश है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके शेयर करें, और इसके वजह से हमको इधर से इवैक्यूएट करे गवर्नमेंट, हमको हेल्प करे. सो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को लोगों को पता है. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. मैं अभिनव गुप्ता, स्टूडेंट ऑफ ग्रोथो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बेलारूस में पढ़ता हूँ, और ये सभी मेरे कलीग्स हैं, और यहाँ पे और 1000 इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे बेलारूस में पढ़ते हैं, डिफरेंट सिटीज में. यहाँ बेलारूस में 90 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें से ऑलरेडी 13,000 प्लस कोरोना पॉजिटिव केसेस है, और हर रोज यहाँ बेलारूस में 900 से 1,000 केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, और यहाँ की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अभी तक किया नहीं है पूरी कंट्री को. यहाँ पे सभी मॉल्स चालू है, सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू है, और हमें बाहर जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन हुआ नहीं है. और पिछले 2 वीक से हमने अपने आप को सेल्फ, हम सभी इंडियन स्टूडेंट्स ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है, पर फिर भी हमें डर लग रहा है. सो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से जल्द इवैक्यूएट करें, हमें एयरलिफ्ट करें, हमें अपने देश वापस आना है. थैंक यू, धन्यवाद. હું પ્રિયંક જીમવાણી અને મારી સાથે અભ્યાસ કરતા 203 ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓના તરફથી આ વિડીયો રેકોર્ડ કરી રહ્યા છીએ. અમે લોકો ગ્રોડનો સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી ગ્રોડનો બેલારૂસમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ. જેવી રીતે સમગ્ર દુનિયામાં કોરોના પેન્ડેમિક છે, એવી જ રીતે બેલારૂસ બી તેમાં બાકાત રહ્યું નથી. આ 90 લાખની વસ્તી ધરાવતા દેશમાં અરાઉન્ડ 14,000 જેટલા કેસીસ આજ સુધીમાં નોંધાયેલા છે.
અને આ સિચ્યુએશનને ધ્યાનમાં રાખીને અમારી યુનિવર્સિટી અરાઉન્ડ 20 ડેઝથી બંધ કરી દીધેલી છે અને તેના માટે અમને લોકોને ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ બી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. બટ પ્રશ્ન ત્યાં આવે છે કે જ્યાં અમે હોસ્ટેલમાં રહીએ છીએ ત્યાં અન્ય 35 કન્ટ્રીથી બિલોંગ કરતા અરાઉન્ડ 2000 સ્ટુડન્ટ્સ રહે છે કે જે લોકોનો બહાર આવરો જાવરો ચાલુ રહેતો હોય છે અને તેમની સાથે સંપર્કમાં આવી અને અસિમ્પ્ટોમેટિક કેરિયર ન થાય અને આ બધી પ્રશ્ન આગળ ન થાય ફેલાય નહીં એના માટે અમે લોકોએ સ્વ ક્વોરન્ટાઇન કર્યું છે, જાતે જ અમને લોકોને ક્વોરન્ટાઇન કરી દીધેલા છે. પ્લસ અમે અને અમારા પેરેન્ટ્સ અમે લોકોએ આ બધી વિગતોનું વ્યક્તિગત અમે લોકોએ જાણ કરેલી છે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ, ગુજરાત ગવર્મેન્ટ, ફોરેન મિનિસ્ટ્રી પ્લસ એમ્બેસી ઓફ ઇન્ડિયન એમ્બેસી એટ બેલારુસ ઇન મિન્સ્ક. સો આ અમે બધું જાણ કરેલું છે તેમ છતાં અમને એમના તરફથી કોઈ પણ સંતોષકારક જવાબ મળી રહ્યો નથી. અમે જ્યારે લાસ્ટ ઇમેલ કરેલો તેમાં એમ બી જણાવેલું કે અમને લોકોને કોરોનાનો ટેસ્ટ કરવામાં બી કોઈ પ્રશ્ન નથી કે અમે નેગેટિવ છે એ દર્શાવવામાં બી અમને કોઈ પ્રશ્ન નથી. અમને લોકોને બસ ત્યાં અમાર એરલિફ્ટ કરી દે અને બીકોઝ આ જસ્ટ 203 સ્ટુડન્ટ્સનો ક્વેશ્ચન નથી, અહીંયા અરાઉન્ડ 1000 ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સ અભ્યાસ કરે છે સમગ્ર કન્ટ્રીમાં. સો પ્લીઝ આ જે આ સિચ્યુએશન વધારે વકરે વધારે ખરાબ થાય એ પહેલાં એઝ સુન એઝ પોસિબલ કંઈક એક્શન લ્યો એવી અમારી તમને વિનંતી છે. થેન્ક યુ સો મચ, ધન્યવાદ. मैं ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ. ये सभी मेरे मतलब दोस्त हैं जो मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 203 जितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं और हमारी तरह इस कंट्री में तीन और यूनिवर्सिटी है जहाँ पे टोटल 1000 जितने स्टूडेंट्स और पढ़ रहे हैं जो इंडियंस हैं. और इस देश की आबादी तकरीबन 90 लाख है और उसमें से अभी तक 13,000 लोगों को कोरोना हो चुका है. और रोज मतलब हर रोज यहाँ के केसेस तकरीबन 900 से 1000 जितने बढ़ रहे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है. मतलब यहाँ पे कोई किसी तरह का लॉकडाउन नहीं है और लोग यहाँ पे ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं जिससे कोरोना फैलने की चांसेस मतलब ज्यादा है. और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है कि जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट हमारी मदद कर सके. और इससे पहले भी हमने एक दो वीडियो बनाए थे जिसको कुछ न्यूज चैनलों ने इंस्टा पर और दूसरे सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, लेकिन उस पर कुछ इंडियन पब्लिक ने बहुत मतलब गलत तरीके से कमेंट्स किए थे और उनके वजह से हमारा मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिनका मोरल टूट चुका है और जो यहाँ पे रहना नहीं चाहते अभी, लेकिन उनकी स्टडीज अफेक्ट होती है उससे. और जो पब्लिक ऐसे कमेंट्स कर रही है वो ये नहीं समझ रहे कि हमारी सिचुएशन क्या है अभी यहाँ पे. और मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ और मैं ग्रोधनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ग्रोधनो बेलारूस में पढ़ रही हूँ और मेरे साथ यहाँ पे 203 और स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि 90 लाख की पॉपुलेशन वाली इस कंट्री में 13,000 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस है. और आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि दिन प्रतिदिन यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं. हम सब यहाँ इंटरनेशनल हॉस्टल में रह रहे हैं जहाँ हमारे साथ और भी 2000 मोर स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग कर रहे हैं. सिंस 5 अप्रैल हमारे सभी क्लासेस ऑनलाइन हो गए हैं, एजुकेशन ऑनलाइन हो गया है, पर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अलग कंट्री के जो हॉस्टल के बाहर उनका आना जाना लगा रहता है और उनपे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इससे पूरा चांस है कि हम इन्फेक्टेड हो जाए COVID-19 से. हम सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स ने गुजरात सरकार, भारत सरकार और फॉरेन मिनिस्ट्री से 19 मार्च से ईमेल, कॉल और ट्विटर के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक उनकी तरफ से हमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है. और सभी कंट्री की बॉर्डर लॉकडाउन होने से हमें यहाँ पे फूड रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. इसीलिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी सिचुएशन से परिचित होकर जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाया जाए. हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए तैयार हैं. 14 डे तक जो क्वारंटाइन के अंदर रखते हैं वो भी हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं. COVID-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट है वो भी हम गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है. बस हमें सिर्फ एयरलिफ्ट की आशा है. जय हिंद, जय भारत.